रीजन वाइज देखा जाए तो इस वक्त क्या है स्थिति गुजरात की वो मैं दर्शकों को दिखाता हूं। सौराष्ट्र सबसे पहले आपके सामने है, यहां पर आप देखिए कुल 2017 में 23 सीटें थी बीजेपी के पास, वो 40 पहुंचती दिख रही हैं। कांग्रेस के पास 30 थी, वो 12 पर आ रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का खाता यहां नहीं खुला था, एक सीट पर, और अन्य के खाते में वही वाली स्थिति एक वाली नजर आ रही है, यानी बीजेपी गेन कर रही है और कांग्रेस लूज कर रही है। अब नॉर्थ गुजरात की अगर बात कर ले तो यहां की क्या तस्वीर है वो देखिए, बीजेपी 14 से 17 पर पहुंचती हुई दिख रही है, कांग्रेस 17 से 15 पर, तो यहां भी कांग्रेस लूज कर रही है। ये उत्तर गुजरात की बात हम आपको बता रहे हैं, क्षेत्रवार तमाम आंकड़े हम आपको बताएंगे। दक्षिण गुजरात, ये देखिए उत्तर गुजरात की बात हो गई, अब दक्षिण गुजरात की बात कर ले, यहां पर क्या स्थिति है, बीजेपी 25 से 27 दो बढ़ता हुआ, कांग्रेस 8 से 4 आधे हो गए यहां पर, मतलब गुजरात में कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन हिमाचल में क्या चल रहा है शोभना? बिल्कुल, तो अखिलेश ने गुजरात की तमाम तस्वीर आपके सामने पेश की, रीजन वाइज ये तस्वीर पेश की, सौराष्ट्र में क्या स्थिति है, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के आंकड़े की बात करें तो ये कुछ कुछ स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 32 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस अभी भी 35 पर डटी हुई है, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर खाता भी नहीं खोला है, तो सर्दी बहुत है लेकिन नतीजों में गर्मी है। रूबिका, नतीजों में गर्मी है लेकिन वोटिंग परसेंटेज किस तरीके का इशारा कर रहे हैं, तो एक एक अपडेट मैं आपको बताऊंगी कि पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी जो 39 पर इलेक्शन कमीशन का है उसमें 52 से अधिक बीजेपी का वोट शेयर हो गया है वो गुजरात में, और वो हिस्टोरिक है। 52% और हिमाचल में, आप लोग हिमाचल वगैरह तो चल ही रहा है सब कुछ, अभी बाय इलेक्शन का भी देख लीजिए कभी कभी। हाँ बताइए सर, पुणी में वहाँ जेडीयू जो है वो काफी कमजोर हो गया है और अब वो बीजेपी का वहाँ पर 54% पे केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा थे जेडीयू के, तो जो उनके पास था वो भी मतलब कम हो रहा है, 28% पे रह गए, तो दुगने का लगभग 28 और 56 का फर्क हो गया वहाँ पर। अरे आप ये कह रहे हैं वहाँ पर बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये सीट आरजेडी की थी, आरजेडी ने बाई इलेक्शन में इसको जेडीयू को दे दिया और दोनों मिलकर लड़े, पहली रैली जो है दोनों लड़े और जीत बीजेपी रही है। हाँ, और नीतीश कुमार और तेजस्वी की पहली ज्वाइंट रैली इस इलेक्शन के लिए हुई और ये काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। जफर साहब, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में वो बेसिकली उसका वोट बीजेपी का है, उसके बावजूद भी बीजेपी का वोट शेयर 52% बीजेपी का वोट शेयर। आकाशवाणी, गुजरात में बीजेपी सबसे बड़ी जीत की ओर, सबसे बड़ी जीत की ओर इस वक्त। ये वोट शेयर का परसेंटेज अगर बताएं 53% हो चुका बीजेपी का वोट और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस, ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम वोट शेयर पर फिलहाल खड़ी नजर आ रही है गुजरात। पूरी खबर कांग्रेस के लिए, लेकिन एक सेकंड में आ रही हूँ आप सबसे अपडेट लूं। हिमाचल की टैली में परिवर्तन, एक एक सीट की बात एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हमीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शर्मा 700 वोट से आगे चल रहे, यानी अन्य दो पर पहुंच गए। आंकड़ा अगर ऐसे रहा तो निर्दलीय बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अखिलेश जानकारी है, उसके बाद मैं यहां से अपडेट लेती हूं। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की आंधी नजर आ रही है गुजरात में, रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से ये रुझान सामने आ गए हैं, 139 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आ गए है गुजरात में, कांग्रेस 32 सीटों पर और आप 6, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वही बात एक बार फिर से, बीजेपी की आंधी से कह लीजिए, सुनामी कह लीजिए, क्योंकि बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है अभी अगर ये रुझान परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं तो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, मैं आपको लिए चलता हूं शोभना के पास। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरभद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा सिंह की अगुवाई में कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 35 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 35, बीजेपी को 31 हो गई है, अन्य के खाते में ये 2 सीटें जा रही है। बहुमत के आंकड़े यानी जादुई आंकड़े की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो फिलहाल रुझानों में हिमाचल प्रदेश में ये आंकड़ा छूती हुई साफ साफ देखी जा सकती है। तो बीजेपी के लिए यहां पर कहा जाए कि रिवाज भी नहीं बदल रहा है लेकिन राज जहां पर जरूर बदल रहा है। रूबिका,